नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के अफसरों की सुविधा में होगी कटौती। आज मनाई जाएगी हड़तालिका तीज। बिहार में बेसहारा बुजुर्गों की सरकार ने ली सुध। केंद्र सरकार ने बढ़ाई गेहूं समेत 6 रबी फसलों की कीमत, बिहार को होगा फायदा। लेप्रा सोसाइटी की ब्रांड एम्बेसडर बनी मैथिली ठाकुर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने निकाली रिक्तियां। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने जूनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट, आरए के कुल मिलाकर 10 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, जैव चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मा, भौतिकी, फार्माकोलॉजी, नियामक फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में एमएससी पीएचडी प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ और नेट गेट योग्य होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 24 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.drdo.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। आज मनाई जाएगी हड़तालिका तीज। आज उत्तर भारत में हड़तालिका तीज मनाई जाएगी। आज के दिन सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी। हड़तालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। हड़तालिका तीज में सुहाग की पिटारी भी तैयार की जाती है। इस पिटारी में सुहाग से जुड़ी चीजों को शामिल किया जाता है। इस पिटारी को ध्यान से और पूरी श्रद्धा से तैयार करना होता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हड़तालिका तीज के व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, यानी इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है। इसी कारण इस व्रत को कठिन माना गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने की CDPO की परीक्षा तारीख और खारिज आवेदनों की लिस्ट जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीते दिन CDPO परीक्षा की तारीख और खारिज आवेदन की लिस्ट जारी कर दी है। जिन भी उम्मीदवारों ने बिहार लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है वो bpsc.bih.nic.in पर जारी ताजा नोटिस को जाकर देख सकते हैं। आयोग की तरफ से हालांकि जो जानकारी साझा की गई है उसके अनुसार bpsc CDPO भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 31 अक्टूबर 2021 को होगा। इस बाबत आयोग ने कहा है कि आवेदन खारिज करने को लेकर अगर किसी आवेदक को कोई आपत्ति है तो वो साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति bpscpat-bih@nic.in पर 22 सितंबर तक मेल कर सकते हैं। दिनों में इन इलाकों में हो सकती है बारिश। बिहार में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनती देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। इस दौरान यहां मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा 8 सितंबर तक कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई थी। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि उत्तर बिहार के जिले में हल्के बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार इस समय औसतन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगले 2-3 दिनों तक पछिया हवा और उसके बाद पूर्वा हवा चलने की संभावना है। इसके अलावा 8 सितंबर से पूर्वी की तरफ से आने वाली हवा की तीव्रता में भी तेजी आएगी। पटना में नहीं मिलेगा बिना टीकाकरण वालों को एंट्री। आईआईटी पटना जाने से पहले अब आपका टीका लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि बिना टीकाकरण के आपको परिसर के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। इस बाबत आईआईटी पटना ने गाइडलाइन जारी कर दी है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आईआईटी पटना कैंपस को छात्रों के लिए फिर से खोला जा रहा है। ऐसे में कैंपस में आने वाले लोगों को जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अब कैंपस में उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने वैक्सीन का कम से कम एक डोज तो लगा ही लिया हो। इस बाबत छात्रों को अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर कोई छात्र ऐसा करने में असमर्थ होता है तो उसे कैंपस में प्रवेश की इजाजत नहीं मिलेगी। इस बाबत प्रदेश द्वार पर मेडिकल टीम को भी तैनात किया जाएगा। इन सब के अलावा छात्रों को 7 दिन के आइसोलेशन में भी रखा जाएगा। ध्यान रहे, इतने तामझाम के बावजूद भी छात्रों की पढ़ाई कक्षाओं में फिलहाल नहीं होगी बल्कि ऑनलाइन ही होगी। सिर्फ हॉस्टल और लैब को खोला जाएगा। बिहार के सभी 534 अंचलों में डेटा ऑपरेटर की होगी नियुक्ति। बिहार के सभी 534 अंचलों में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति होने वाली है, जो कि इसी महीने होने की संभावना जताई गई है। ज्ञात हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर का ऑनलाइन परीक्षा के जरिए चयन हो चुका है और बेल्ट्रॉन ने सभी अंचलों के लिए 534 डेटा ऑपरेटर की सूची राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दी है। इनका पदस्थापना मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में किया जाएगा, जिनको आधुनिक अभिलेखागार सह डेटा केंद्र के बेहतर संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। इनकी ज्वाइनिंग और पोस्टिंग के बारे में विभाग के अपर मुख्य सचिव के कार्यालय कक्ष में विस्तृत चर्चा हुई, जिसके बाद अब सभी 534 डेटा एंट्री ऑपरेटर को राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में नियुक्ति पत्र, डोंगल और प्रशिक्षण सामग्री की किट दी जाएगी।
दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासत गर्म। बिहार में जल्द ही दो सीटों पर उपचुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर बिहार में अभी से ही सियासत गर्म हो गई है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर इसी बीच अब राजद की तरफ से तेजस्वी यादव ने दावा ठोक दिया है, जिसके तहत बीते दिन कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में राजद दोनों सीट पर जीत हासिल करेगी। हालांकि हम आपको बता दें कि यह दोनों ही सीटें जदयू कोटे की है, जिसके बाद ही अब जदयू इसे किसी भी कीमत पर फिर से हासिल करने की कोशिश में नजर आने वाली है, जिसके बाद अब तेजस्वी ने दोनों सीट पर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। ज्ञात हो, मुंगेर का तारापुर और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान दोनों सीट विधायकों की अचानक से जान जाने के बाद से खाली हुई है। केंद्र सरकार ने बढ़ाई गेहूं समेत 6 रबी फसलों की कीमत, बिहार को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में बीते दिन चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रूपए बढ़ाकर 2015 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। इसके अलावा सरसों का MSP 400 रूपए बढ़ाकर 5050 रूपए प्रति क्विंटल किया गया। सरकारी जानकारों की माने तो सरकार के इस पहल का उद्देश्य इन फसलों की खेती के रकबे के साथ साथ किसानों की आय को बढ़ाना है, जिससे अब बिहार के रबी फसलों के किसानों को भी खूब फायदा मिलने वाला है। इसको लेकर सरकार ने विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दलहन में चने का MSP को 130 रूपए बढ़ाकर 5230 रूपए प्रति क्विंटल, मसूर 5500 रूपए प्रति क्विंटल, सरसों 5050 रूपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 5441 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सीएम नीतीश ने आपदा विभाग की टीम के साथ किया बैठक। बीते दिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आपदा विभाग की एक टीम के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से बाढ़ में हुए नुकसान का ब्यौरा लिया। इस दौरान आपदा विभाग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। ज्ञात हो, इन दिनों बिहार बाढ़ की चपेट में है। वहीं बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आपदा विभाग भी लगातार बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने में लगा हुआ है। वहीं सीएम नीतीश भी कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले चुके हैं। इसके साथ ही हाल ही में केंद्रीय टीम ने भी बाढ़ में हुई क्षति का आकलन किया है। बिहार सरकार ने प्रारंभिक क्षति का आकलन कर रिपोर्ट केंद्र को भेज दिया है। वहीं बिहार आई केंद्रीय टीम अब वापस लौट चुकी है। अब बिहार सरकार की नजर केंद्र से मिलने वाली मदद पर है। सोसाइटी की ब्रांड एम्बेसडर बनी मैथिली ठाकुर। बिहार की जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार स्थित लेप्रा सोसाइटी ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, जिसके बाद लेप्रा सोसाइटी के कंसल्टेंट एवं एसोसिएशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रोसी इंडिया के पब्लिक रिलेशन इंचार्ज कमलेश दिव्यदर्शी ने मैथिली को इस शुभ अवसर की बधाई दी है। इस बाबत कमलेश दिव्यदर्शी ने कहा है कि कुष्ठ रोगियों के उत्थान में मैथिली ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इतना ही नहीं, मैथिली ठाकुर को दिल्ली में अंगवस्त्र से सम्मानित कर उन्हें अपनी संस्था में आने के लिए आमंत्रित भी किया गया। बिहार में अब पुलिस की हर जरूरत होगी पूरी। बिहार में पुलिस की हर जरूरत को खास ध्यान में रखा जाएगा, जिसके तहत ही अब बिहार के थानों में आत्मनिर्भर फंड बनाने की तैयारी हो रही है। इस फंड में पुलिस कर्मियों को सरकार अलग से राशि देगी कि वो अपने सभी जरूरतों को पूरा कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप ही अब पुलिस थानों में साफ सफाई, खिड़की दरवाजा मरम्मत, प्रिंटर कार्टिस की खरीद, फोटोकॉपी, बाइंडिंग, बोर्ड लिखाई, वाटर प्यूरिफायर से लेकर गवाहों को न्यायालय तक लाने ले जाने में होने वाला वाहन खर्च, शांति समिति की बैठक में खर्च, छापेमारी में जरूरत पड़ने पर किराए में लेने के लिए वाहन, राष्ट्रीय पर्व का आयोजन समेत ऐसे सभी कार्यों में इसी फंड के माध्यम से राशि खर्च की जा सकेगी। दशहरा में घर जाने वालों की बढ़ेगी मुश्किलें। अगले महीने ही दशहरा का पर्व आने वाला है। हालांकि दशहरा के पावन अवसर पर दिल्ली से बिहार आने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा ही होती है। यही कारण है कि रेल टिकट में तो लंबी वेटिंग अभी से ही देखने को मिल रही है। अब तो विमान टिकट के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। कई यात्रियों ने अभी से ही ट्रेनों में बुकिंग शुरू कर दी है। इसका परिणाम है कि एक महीने पहले ही कई ट्रेनों में अब वेटिंग शुरू हो गई है। फिलहाल सबसे अधिक नई दिल्ली से आने वाली ट्रेनों में वेटिंग है। दिल्ली से आने वाली संपूर्ण क्रांति, श्रमजीवी एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, विक्रमशिला एक्सप्रेस आदि महत्वपूर्ण ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। हालांकि मुंबई से आने वाली ट्रेनों में वेटिंग कम है। 7 से 14 अक्टूबर के बीच अधिकतर ट्रेनों में स्लीपर में वेटिंग अधिक है, जबकि एसी में भी वेटिंग चल रही है। दरभंगा में शुरू हुई एम्स निर्माण की प्रक्रिया। बिहार को जल्द ही एम्स की नई सौगात मिलने वाली है, जिसके तहत दरभंगा में एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ ही बीते दिन एम्स के लिए मिट्टी भराई का टेंडर जारी कर दिया गया है। इस बाबत बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यह निविदा निकाली है। इसके तहत 75 एकड़ भूखंड पर बालू भराई और समतलीकरण का काम होना है। इस पर 12,41,35,000 रूपए खर्च होगा। अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 21 सितम्बर तक निविदा डालने की तारीख निर्धारित की गई है। तकनीकी बिड 23 सितंबर को खोला जाएगा और उसी दिन एडवांस राशि जमा होगी। इन सबके बीच निविदा की वैधता अवधि 120 दिन बताई गई है। काम पूरा करने का समय 3 महीने है।
बिहार के अफसरों की सुविधा में होगी कटौती। बिहार में एक से अधिक विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे अफसरों की सुविधाओं में अब कटौती की जा रही है, क्योंकि अब ऐसे अफसरों को विभागीय गाड़ी के साथ अन्य सुविधा में कमी की जाएगी। इसको लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस बाबत अब ऐसे अफसरों की गाड़ी पर पहले रोक लगाई जाएगी। अब एक से अधिक विभागों के चार्ज पर होने के बाद भी अफसर एक ही विभाग की गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कई ऐसे अफसर के बारे में विभाग को सूचना मिली है कि एक से अधिक विभागों का चार्ज लेने वाले अफसर कई विभागों की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद ही सरकार की सख्ती के बाद वन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अब एक से अधिक विभाग के चार्ज पर होने के बाद भी अफसर एक ही विभाग की गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। गंगा नदी में नहीं मिला कोरोना। हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के शरीर को प्रवाहित करने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद ही कई लोगों के बेसुध शरीर बिहार में भी आ पहुंचे थे, जिसके बाद से ही गंगा नदी की गुणवत्ता पर सवाल उठाया जाने लगा था। हालांकि अब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान की औपचारिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है कि गंगा नदी में किसी भी तरह का कोरोना मौजूद नहीं है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान की औपचारिक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि गंगा जल की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ा है। गंगा जल में कोरोना का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसको लेकर दो अलग अलग समय में जाँच भी की गयी थी। बिहार में बेसहारा बुजुर्गों की सरकार ने ली सुध। बिहार के सभी बेसहारा बुजुर्गों को लेकर राज्य सरकार ने अहम पहल की है, जिसके तहत बिहार सरकार जल्द ही बिहार के सभी जिलों में ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम बनाने जा रही है, जिसका काम चरणवार किया जाएगा। सरकारी जानकारों की माने तो पहले चरण में 38 जिलों में 50-50 बेड की दो यूनिट होगी, यानी कि हर जिले में 100-100 लाचार बुजुर्गों को मुफ्त में रहने का स्थान, भोजन, कपड़े और इलाज की सुविधा मिलेगी। नगर विकास और आवास विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बाबत बिहार सरकार ने कई एजेंसीज को भी आमंत्रित किया है। इस महीने के अंत तक एजेंसीज के चयन का काम हो जाएगा और अगले महीने यानी कि अक्टूबर से सभी जिलों में ओल्ड एज होम का संचालन की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी से सटे इलाकों में बीमार बच्चों ने बढ़ाई बिहार सरकार की चिंता। इन दिनों यूपी से सटे बिहार के इलाकों में वायरल फीवर से ग्रसित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बिहार सरकार भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। यही कारण है कि यूपी से सटे इलाकों में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ता देख अब राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और राज्य स्वास्थ्य समिति लगातार स्थिति की मॉनिटरिंग कर रही है, जिसके तहत वायरल बुखार के कारणों का पता लगाने के लिए टीम बनाकर जिलों में भेजा जा रहा है। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रित है, बुखार की समस्या है जिसके कारण पता किए जा रहे हैं। ज्ञात हो जिलों के लिए अलग अलग बनाई गई ये टीमें यूपी से लगते बिहार के जिले में जाएगी। छात्र जनशक्ति परिषद के आगाज से पहले तेज प्रताप ने किया जेपी को याद। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने बीते दिन से अपने नवगठित छात्र जनशक्ति परिषद का औपचारिक आगाज कर दिया है। इससे पहले वो पटना के कदम कुआं स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। तेज प्रताप यादव ने हालांकि पहले ही स्पष्ट कर दिया कि संगठन राजद से अलग नहीं होगी, ये राजद का ही अभिन्न अंग होगा। उन्होंने कहा है कि संगठन का मुख्य उद्देश्य बिहार की जनता को किस तरीके से बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा मिले और किस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या दूर हो, ये मुद्दे उठाना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी को मजबूत बनाना है। एक साथ दिखे तेजस्वी और चिराग पासवान। बीते दिन बिहार की राजनीति में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब चिराग और तेजस्वी एक साथ नजर आए। हालांकि यह मुलाकात स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि को लेकर भेजे जाने वाले आमंत्रण को लेकर थी, जिसके तहत पिता की पहली पुण्यतिथि के लिए चिराग ने तेजस्वी को न्योता दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों ने ही मीडिया से बातचीत भी की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इस मुलाकात को राजनीतिक मुलाकात नहीं समझे। हालांकि इस दौरान चिराग ने नीतीश को भी न्योता देने की बात कही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जी की तरफ से फिलहाल मुलाकात के लिए समय नहीं दिया गया है। सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल बताए जाने पर राजद सांसद मनोज झा ने कसा तंज। इन दिनों बिहार में सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल बताने की कवायद तेज है, जिसके तहत सभी पार्टियां इस मुद्दे पर अलग अलग विचार भी दे रही है। इन सबके बीच अब इस मुद्दे पर राजद सांसद मनोज झा ने अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यह कोई अकादमिक लेख थोड़े ही लिखा जा रहा है, आप गाय पर, पेड़ पर, पशु पक्षी पर लिख रहे हैं। इस तरह की चर्चा गंभीर राजनीति में नहीं होती। वैचारिक राजनीति में एक कार्ड जेब में और एक कार्ड टेबल पर नहीं चलता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक योग्यता का सवाल है, आजकल नफरत बोकर भी लोग बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस योग्यता की संकल्पना बापू ने की थी वो अब जमीनों जद हो गई है। उन्होंने कहा कि यह क्या बात हुई कि पीएम मटेरियल है लेकिन रेस में नहीं है, इतना पेच क्यों है, साफ साफ आइए इधर या उधर।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी जतेंद्रनाथ सान्याल और अंग्रेजों के बीच 1915 में उड़ीसा के काप्चेवाड़ा में संघर्ष हुआ। अलीगढ़ का 1920 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रूपांतरित हो गया। भारत की संविधान सभा ने 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत के महेश भूपति तथा जापान की आर्क सुगियामा की जोड़ी ने 1999 में अमेरिकी ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता। आज के दिन इंडियन स्पेस एजेंसी ने 2012 में सबसे भारी विदेशी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार का जन्म 1967 में आज के दिन हुआ था। भारतीय सैनिक विक्रम बत्रा का जन्म 1974 में आज के दिन हुआ था। आईसीसी ने जारी की अपनी टेस्ट रैंकिंग। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के बाद टेस्ट रैंकिंग में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में एक पायदान का फायदा मिला है, जबकि टेस्ट बल्लेबाजों की टॉप 10 रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रोहित शर्मा 5वें और विराट कोहली 6ठे नंबर पर बने हुए हैं। बुमराह ने लंदन के द ओवल ग्राउंड में खेले गए चौथे टेस्ट में दोनों पारियों में 2-2 विकेट लिए थे। इस सीरीज में अभी तक किसी भी मैच में नहीं खेले आर अश्विन गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। एटीएम पिन, आधार कार्ड और पैन तो हो जाए सावधान। बड़ी संख्या में भारतीय अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड, पिन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे पासवर्ड्स फोन या ईमेल में रखते हैं। ऐसे में साइबर क्रिमिनल्स आम लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करने के लिए लगातार नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ऐसे में आपकी थोड़ी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखना बेहद अहम है, लेकिन भारत और विदेश दोनों जगह तमाम यूजर इसकी अनदेखी करते हैं। शायद यही वजह है कि साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूजर की थोड़ी सी गलती की वजह से जालसाजों को फ्रॉड करने का मौका मिल जाता है। ऐसे में अगर आपकी भी यही आदत है तो ऐसी आदतों से दूरी बनाकर रखें। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 8 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,400 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,850 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.54 रुपए प्रति लीटर था। विधानसभा अध्यक्ष ने पूजा पाठ के लिए कमरा देने से किया इनकार। झारखंड विधानसभा में हाल ही में नमाज पढ़ने के लिए कमरे के आवंटन के बाद से बिहार में भी इस तरह की मांग देखने को मिल रही है। हालांकि विधायकों की तरफ से बिहार विधानसभा में भी पूजा पाठ के लिए कमरा आवंटन की मांग पर अब विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अपना पक्ष साफ कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि विधानसभा सबसे बड़ा मंदिर है, सभी का भाव है और वो इस मंदिर का पुजारी बने जो भी पुजारी बनना चाहेंगे, उनको जगह देने में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूजा करने के लिए जगह की क्या आवश्यकता है, जहां मन करे वहां पूजा कीजिए, कौन रुकेगा, पूरा विधानसभा ही मंदिर है, कोई भी कहीं भी पूजा कर सकता है, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि मानवता के भले की जो भी मांग की जा रही है हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग और व्यवस्था चाहते हैं उनके लिए पूरा विधानसभा परिसर उपलब्ध है, जहां मन करे पूजा करे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रेशु कुमारी, अजय कुमार, ललन केसरी, राजेश सोंथियाल, रंजीत कुमार प्रकाश, मस्ती मजाक, नीतीश चौरसिया, नरेश कुमार, विकास कुमार, मनीष मेहरा, अविनाश कुमार यादव, ओम प्रकाश साहू, रविंद्र पासवान, रामबाबू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नगर निगम कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।